मुसलमान बीजेपी को वोट देगा तो उसे जान से मारने की धमकी देंगे। क्या मुसलमानों को डराएंगे धमकाएंगे तभी मोदी योगी को हरा पाएंगे? दरअसल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक मुस्लिम शख्स ने आरोप लगा दिया है कि समाजवादी पार्टी के दो नेताओं और सपोर्टर्स ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित अब्बास का आरोप है कि उसे बीजेपी को वोट नहीं देने और समाजवादी पार्टी को वोट देने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं करने पर राइफल से गोली मारने की धमकी दी जा रही है, सूरत बिगाड़ने की धमकी दी जा रही है। सवाल है कि क्या उपचुनाव की लड़ाई मुसलमानों को डराने धमकाने और वोट पाने पर आ गई है? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। क्या तथाकथित धर्म के ठेकेदार तय करेंगे कि एक आम नागरिक किस पार्टी को वोट करेगा, किसे सपोर्ट करेगा? क्या यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक को बढ़ाने के लिए मुसलमानों को डराने धमकाने की साजिश हो रही है? क्या समाजवादी पार्टी इतनी बौखला गई है कि बीजेपी को समर्थन करने वाले मुसलमानों को खुलेआम धमकी दे रही है? क्या बीजेपी को सपोर्ट किया तो लोकतंत्र की बात करने वाले जान से मारने की धमकी तक देंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी के मुरादाबाद में कुंदरकी इलाके से ऐसा ही मामला सामने आया, जहां अब्बास नाम के बीजेपी कार्यकर्ता ने आरोप लगा दिया है कि उसे समाजवादी पार्टी के दो कार्यकर्ताओं ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित का आरोप है कि समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने वाले हाजी मटू और उसके बेटे शादिर ने बीजेपी को सपोर्ट करने पर उसके साथ मारपीट की। पीड़ित ने FIR में लिखा है कि हाजी मटू ने उसे धमकी देते हुए कहा, तू साइकिल को वोट देना, अगर तूने कमल के फूल पर वोट डाला तो तेरे को अपनी लाइसेंसी राइफल से इतनी गोली मारूंगा कि तेरी सूरत पहचान में नहीं आएगी। तो मैं ऐसे ही बैठा था, ऐसे ही कोई अलग सनों की हो लगी बात हो लगी। मैंने रामवीर जी की कुछ थोड़ी सी तारीफ कर दी, प्यार हुसैनपुर का प्रेस भी लग गया और वैसे आदमी ठीक है, योगी की सरकार इस टाइम से आई है ठीक है, बड़े बड़े नेता जो है अपने आप को कुछ समझाए वो आज ठीक है बिल्कुल, किसी से ना तो कुछ बदतमीजी कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। इसी बात पर साहब एक हमारे गांव के हाजी मटरू हैं और उनका लड़का है वो हाजिर, उसने मेरे साथ में बदतमीजी करी और साहब लोगों ने बचाव करा, उसके बाद में मुझसे कह लगे तुझे 3-4 इनमें फिरने वाले हैं। आरोप है कि समाजवादी पार्टी के सपोर्टर मटरू और उसके बेटे ने पहले मारपीट की, फिर थाने में पीड़ित के खिलाफ FIR दर्ज की, हालांकि पीड़ित ने भी पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है और इंसाफ की गुहार लगाई। देखिए ये कल थाना कुंदरकी में एक तहरीर रिसीव हुई है जिसमें जो अब्बास हैं ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनके द्वारा एक लिखित तहरीर थाना अध्यक्ष कुंदरकी को प्रदान की गई है। इसमें कह रहे हैं कि इनके द्वारा कुछ लोग हैं जो इनको थ्रेट कर रहे हैं और एवं वोट न डालने के लिए जो है इन पे गाली गलौज एवं अन्य तरीके से दबाव डाल रहे हैं। इस तहरीर पर थाना कुंदरकी पे 348/24 मुकदमा अपराध संख्या दर्ज कर दिया गया है, धारा इसमें 352 351-2 और 351-3 में दर्ज करके इसमें आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहता हूँ, मेरे साथ में कोई भी बात नहीं होगी। कुंदरकी वो इलाका है जहाँ पर भी उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी के पास कुंदरकी की सीट थी, लेकिन अब सीट को बचाना समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल है। सीट को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी हर हथकंडे अपना रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आज का मुसलमान बीजेपी के सबका साथ सबका विकास वाली राजनीति के साथ है, इसीलिए समाजवादी पार्टी मुसलमानों को डरा धमका कर वोट पाने की जुगत में जुटी है। समाजवादी पार्टी और पूरा इंडिया अलायंस तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। इनकी राजनीति यही है कि मुसलमान समाज के मन में भय पैदा करो और भय के नाम पे वोट मांगो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सबका साथ सबका विकास की है। जम्मू कश्मीर के नतीजे से स्पष्ट हो गया है कि मुसलमान समाज भी अब भारतीय जनता पार्टी की सबका साथ सबका विकास की राजनीति को चुनना चाहता है। इसी से बौखलाकर समाजवादी पार्टी मुसलमान समाज को डराने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी समझ चुकी है कि अब उसका जो MY वोट है वो भी उससे दूर जा रहा है, क्योंकि आज सभी विकास को चुनना चाहते हैं, ना कि इंडी अलायंस के विनाश को। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले इसी मुरादाबाद में अगस्त में बीजेपी को सपोर्ट करने पर एक मुसलमान की मौत पर इमाम ने जनाजे की नमाज तक नहीं पढ़ने दी, तो कई जगहों पर बीजेपी को सपोर्ट करने पर या तो मौत के घाट उतार दिया गया या फिर परिवार को धमकाया गया और मारपीट की गई। सवाल है क्या समाजवादी पार्टी मुसलमानों को डरा धमका कर वोट लेना चाहती है? क्या इस तरह जान से मारने की धमकी देकर वोट के लिए दबाव बनाना
लोकतंत्र में किसी के मौलिक अधिकारों को छीनने जैसा नहीं है। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कब तक इस तरह मुसलमानों को डरा धमका कर तुष्टिकरण की राजनीति करोगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। आप सोचिए, जो FIR में आरोप है वो बेहद गंभीर आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ता हो, मुस्लिम हो तो बीजेपी के कार्यकर्ता कैसे हो गए? बीजेपी को वोट दोगे, कमल के फूल को वोट दोगे तो राइफल से सूरत बिगाड़ देंगे, इतनी बड़ी धमकी है। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, तारिक खान जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मौलाना साजिद रशीदी हैं इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तारिक खान, पहला सवाल आपसे है, बेहद गंभीर आरोप है, तो क्या मैं ये पूछूं कि सपा मुस्लिम वोट बैंक को, मुस्लिम समाज के लोगों को अपनी बपौती समझती है कि अगर नहीं वोट दिया तो सपा के लोग धमकी देंगे कि सूरत बिगाड़ देंगे? अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा, बासिद अली शायद उसके अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, देश के अध्यक्ष, सब मुसलमान हैं। बीजेपी खुद कहती है कि हमको मुसलमान वोट देता है। वहां सिलेंडर बांट रहे थे कश्मीर में, मुसलमान वोट दे दो, सिलेंडर ले लो, दो सिलेंडर ले लो, चार सिलेंडर ले लो। इनके आंध्र प्रदेश में समर्थक हद सब्सिडी दे रहे हैं, 1,00,000 रुपए मुसलमान का वोट दे दो हमें, जो मस्जिद में इमाम नमाज पढ़ाता है उसको 10,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हैं। हमने कहा देने के लिए? आप खुद कहते हैं हमको 5-6% मुसलमान वोट दे रहा है। एक जगह किसी ने कुछ कह दिया तो मुकदमा लिखिए ना उनके खिलाफ, मुकदमा लिख भी दिया है, अब क्या उनको जेल भेजिए? हम किसी भी तरीके के डिवाइसिव पॉलिटिक्स पे एतबार नहीं करते। हम उस देश में रह रहे हैं जहां प्रधानमंत्री खुद खड़े होकर कह रहा है हिंदू मुसलमान, कल ही बोले हैं कि मुसलमान को नहीं बांटते हैं, चलो भैया आप मुसलमानों को बांटो, खाली हिंदुओं को बांटो। तो हिंदू मुसलमान की बात जब प्रधानमंत्री कर रहा है तो बाकी लोग करेंगे। और एक बात अब मैं कह रहा हूं, राघवेंद्र प्रताप सिंह 2022 के चुनाव में डुमरियागंज से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं जिसने बीजेपी को वोट नहीं दिया उसका DNA टेस्ट कराऊंगा, उसके अंदर हिंदू का खून नहीं है। तारिक खान, जो मैंने सवाल पूछा था उस पर तो आप जवाब नहीं दे पाए। मोहित खान के पक्ष में इसलिए खुलकर खड़े रहे क्योंकि वो एक खास वोट बैंक से है। MY समीकरण को आप कहते हैं कि हमारी ठेकेदारी है, हमारा सबसे स्ट्रांग इक्वेशन है, और उसके बाद एक सवाल पूछ दिया कि बपौती समझते हैं क्या? FIR में जो आरोप है उसके आधार पर तो आप बौखला गए शुरुआत में ही। हमने कहा आप कार्रवाई करिए ना उनके खिलाफ, सबको अधिकार है जहां मन करे वोट दे। क्या हिंदू हमें वोट नहीं देता? मुसलमान तो 14% है, तो बाकी वोट कहां से आते हैं? अभी हरियाणा में इतना वोट मिला कांग्रेस को, तमाम जगह मिला, और इनको कश्मीर में मिला, मुसलमान ने इनको दिया, हिंदू अच्छा, हरियाणा में इतना वोट मिला कांग्रेस को, इसलिए कांग्रेस हार गई, अब बीजेपी सरकार बना ले गई। नहीं, वो नहीं कह रहे, वोट तो मिला है ना, 6-7% मुसलमान है, बाकी जिसने वोट दिया सब हिंदू है, मुसलमान तो 6-7% है भैया। तो हिंदू दे रहा है वोट सबको, हमको भी दे रहा है, आपको भी दे रहा है, इनको भी दे रहा है, मुसलमान इनको भी दे रहा है, प्रकोष्ठ बनाए बैठे हो मुसलमानों का, काहे के लिए बकेला खड़ा करने भाई? सब सबको वोट देते हैं जिसका मन करे। अगर कोई मुसलमान कह रहा है बीजेपी को वोट मत दो, गलत है, मन करे कहां वहां वोट दो, बीजेपी सही लगे वोट दो, यही जमहूरियत है। नहीं नहीं, यही जमहूरियत है, यही लोगों को समझाइए ना तारिक खान, अपने लोगों को समझाइए कि काबू में रहे, हाथ में रहे, सार्वजनिक तौर पर या किसी भी तरीके से ऐसी बातें ना करें। रोहन गुप्ता, एक घटना नहीं है, कई सारी घटनाएं हैं, मैं सिलसिलेवार तरीके से गिना दूंगा। सामने उपचुनाव है और क्या ये स्ट्रेटजी है कि डराओ धमकाओ एक मैसेज दो? और जो यहाँ JDU के जो सांसद कह रहे थे और जो शुभेंदु अधिकारी ने कहा, तारिक खान आऊंगा, अभी रोहन से पूछ लीजिएगा। अरे रुक जाइए, इनसे पूछ लीजिएगा। अरे रुकिए तारिक खान, प्लीज रोहन जी, शायद म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए रोहन भाई। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। राकेश भाई, जिस प्रकार से हरियाणा के हमने परिणाम देखे, पूरे देश में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज हरियाणा की जनता ने दिया है। चुनाव के पहले जाट नॉन जाट ये होगा, कंसोलिडेशन, ये सब एनालिसिस चल रहे थे, परिणाम आएंगे। आप देखिए 25 सीट जो है, जो बोलते हैं कि जाट बहुमूल्य है, वहां से 13 सीटें भाजपा जीती है, 17 जो दलित सीट कहा जाता है उसमें से 8 सीट भाजपा जीती है, ग्रामीण की 33 सीट है उसमें से करीब 19 सीट भाजपा जीती है। हमको सबको एक चीज समझना पड़ेगा, जब जनता जो है इस चीजों से ऊपर आ चुकी है, हरियाणा की जनता, 36 बिरादरी है वहां पे, जिन्होंने भी बांटने की बात की उसको करारा जवाब दिया, जो कहे कि ये जाट है नॉन, अरे बंद करिए ना ये सब, जिसकी जो मर्जी है, जो विकास के नाम पे जनता यही चाहती है कि जो सरकार काम करेगी उसको हम वोट देंगे, ये डराने धमकाने की राजनीति नहीं कर सकती है। और सबसे बड़ा मैसेज है वहां पे, जो कांग्रेस पार्टी को वोट मिला, दो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे माइनॉरिटी वोट ज्यादा है वहां पे कांग्रेस पार्टी 70-80,000 वोट से जीतती है, बाकी हर जगह पे उनका सुपड़ा साफ होता है। तो आपका जो तुष्टिकरण की राजनीति है वो हर जगह पे फेल हो रही है, कहीं ना कहीं आप डरा के तुष्टिकरण कर रहे हैं,
सबसे ज्यादा शासन किसका रहा राकेश भाई? आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी का रहा। अगर आज आजादी के 75-80 साल के बाद भी अगर मुस्लिम समाज का विकास नहीं हुआ तो जिम्मेदारी किसकी है? एसपी के हमारे भाई बैठे हैं, वहां पे भी मुलायम जी की सरकार थी, किसकी जिम्मेदारी है? और आज जब जो एक सरकार, जब जो भाजपा सरकार की या मोदी सरकार की जो योजना है उसमें कोई धर्म देख के तो आयुष्मान कार्ड नहीं बनते, धर्म देख के तो सिलेंडर नहीं बनते, धर्म देख के तो सरकारी योजना का फायदा हर भारतीय को लाभ मिल रहा है, और फिर भी आप उनको डरा रहे हैं कि नहीं भाजपा के राज में आपके साथ ये होगा। अरे कुछ नहीं होगा, सब सुरक्षित है। पर उसी के समय पे जब तुष्टीकरण की आप राजनीति करते हैं तो भाजपा उसका जवाब जरूर देगी, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी। अभी जब आप, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं, जब वक्फ बोर्ड का जो नया बिल आया तब एमआईएम ने क्या कहा? अरे आपकी मस्जिद तोड़ देंगे। अरे क्यों भड़का रहे हैं लोगों को भाई साहब? सजेशंस मांगे हैं, हमारे देश सबसे पहले है। अगर क्योंकि किसी भी जगह पे कहीं कुछ गलत है, अगर बेहतरी के लिए कुछ होता है उसको भी आप बड़ी बात कहिए। और यही से तारिक खान अगला सवाल आपसे, आप जवाब दीजिएगा, मैं आपको कुछ घटनाएं गिना देता हूं और वो लगातार स्क्रीन पर चला भी रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद की एक घटना हमने गिनाई, यूपी के मुरादाबाद में पहले बीजेपी को सपोर्ट कर दिया तो जनाजे की नमाज नहीं पढ़ने दिया, एक मुस्लिम की मृत्यु हुई तो। हरदोई में बीजेपी को वोट दिया तो हिंदू युवक को गोली मार दी। बरेली में मुस्लिम महिला को धमकी दी, बीजेपी की नेता बन गई रोशनी खान तो परिवार समेत मारने की धमकी दे दी, धमकी दे दिया कि सिद्धू मूसे वाला की तरह मार दिया जाएगा। बाबर अली ने बीजेपी के लिए प्रचार कर दिया तो उसकी हत्या कर दी। अमेठी से इस तरीके की घटना सामने आई, किदवई नगर में कितनी गिरा हूं। और इन सबके पीछे एक वजह है कि आप लोग डराते हैं, शायद ये एक वजह हो सकती है। मैं ये कह रहा हूं जो रोहन गुप्ता कह रहे हैं, आप लोग डराते हैं, धमकाते हैं बीजेपी के नाम पर, मोदी के नाम पर। वक्फ वक्फ में संशोधन की बात आ जाती है तो एंटी मुस्लिम है, मस्जिद मदरसा छिन जाएगा। तो ये लोग बताएं ना कि हम लोग नहीं डराते हैं, ये लोग बताएं ना, ये अपने आप को अच्छा साबित करें। अच्छा साबित करने के लिए क्या करते हैं? वक्फ अमेंडमेंट जैसे बिल लेके आते हैं जिसका मुसलमान विरोध करता है, 50 लाख। नहीं, वो अच्छा साबित कर रहे हैं, डराते धमकाते रहेंगे। वो अच्छा साबित करते रहे, अपनी सफाई देते रहे, करते रहे, और तारिक खान आप लोग डराते धमकाते रहेंगे। कब डराया हमने, कब डराया हमने किसी बड़े नेता की? आप भाषा, ये क्या बात है? बरगलाने की बात, एक तरीके से डर दिखाने की बात। जो बीजेपी को वोट नहीं देगा उसका डीएनए टेस्ट कराएंगे। इनके बीजेपी के विधायक कैंडिडेट राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा था 22 के चुनाव में, उनको पार्टी से निकाला इन्होंने, डीएनए टेस्ट कराएंगे ये हिंदुओं का। वो नहीं गलत है, वो सही है। तो आपकी पार्टी का एक नेता कुछ कह दे तो आप कहते हैं कि पल्ला झाड़ लिया, व्यक्तिगत बयान है। नाम तो बीजेपी के एक नेता ने कुछ कह दिया तो आप उसको पूरी बीजेपी की लाइन मानकर चलेंगे। मैं आपसे स्वामी प्रसाद मौर्य पर पूछूं तो आप कहेंगे कि अब वो पार्टी में नहीं है। मैं आपकी पार्टी के 2-3 और नेताओं का बयान दे दूं, कह देंगे आप व्यक्तिगत बयान है। मैं कह रहा हूं आप मेरे नेताओं के बयान बताइए, जब मुसलमानों को धमकाया कि इनको बीजेपी को वोट मत देना, नेता का बयान बताइए। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके किसी बड़े नेता ने धमकी दी या क्या किया, लेकिन कुछ केसेस सामने आए हैं जिसमें आपकी पार्टी से जुड़े लोगों पर आरोप लगा है। तो केसेस और धमकी किस तरीके से दी जाती है? अभी मैं नोएडा का उदाहरण गिना दूं, आपकी एक पार्टी के नेता का कोई प्रॉपर्टी सील हुई, उन्होंने अधिकारी को धमकी दी है। मुख्तार के बेटे ने कहा था आने दो सफाइयों का शासन, बुलडोजर देखेंगे किधर चलेगा। आपकी पार्टी के एक नेता ने कहा मठ पर चला देंगे बुलडोजर। धमकी देने की फेहरिस्त गिनाऊंगा, बहुत लंबी फेहरिस्त है तारिक खान। ठाकुर साहब ने बीजेपी के विधायक को कूट दिया दनादन, वो लखीमपुर में देव मारा तमाचा ही तमाचा बेचारे को, क्योंकि बैकवर्ड था वो, शायद इसीलिए, क्योंकि योगी साहब की जाति का था जिसने मारा है। वो मार सकता है विधायक को, विधायक छोड़िए सांसद को मारेगा, अरे इनको मार देगा, प्रवक्ता को ये कहीं मिल जाएंगे, क्योंकि अपनी जाति को संरक्षण देना है भाई। विधायक को पिटवा दिया, पूछ आपसे कुछ रहा, क्यों ना जाए, क्यों ना जाए? प्रधानमंत्री जाति की बात कल ही कर रहे थे। आपने सुनिए, आप जिस जाति की बात कर रहे हैं और जिस जाति को अपना वोट बैंक समझते हैं, हरियाणा में जाकर आंकड़े देख लीजिए। उसी यादव समाज ने जो एक आंकड़े आए हैं, कितना वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। रोहन गुप्ता, एक रिप्लाई आपका, फिर मैं साजिद रशीद आपके पास आ रहा हूं। ठीक है राकेश जी, मैं आपको यही कह रहा हूं कि जब देश की जनता की बेहतरी के लिए कुछ भी होता है उसको तुष्टिकरण से नहीं जोड़ना चाहिए। ये वक्फ बोर्ड में आप जो है 1 करोड़ से ज्यादा सजेशन आए, उस पर डिस्कशन होगा। आज मुस्लिम समाज में भी ऐसे काफी लोग हैं जिसको वक्फ का फायदा नहीं मिल रहा है, सरकार ये चाहती है कि सबको फायदा मिले, उसमें आप क्यों भड़काने का काम कर रहे हैं? नंबर वन। नंबर टू, जहां देश के लॉ की बात आती है, लेके कायदे की बात आती है, उसमें भी आप लोग भड़काने का काम करते हैं। यूपी में अभी किसी क्रिमिनल को मारा गया, उसमें भी इन्होंने जाति से जोड़ दिया। अरे क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता, कभी भी कोई भी एक्शन होता है आप उसको धर्म बीच में लेके आते हैं। एक चीज समझिए, हम सबको समझना पड़ेगा कि देश का लॉ एंड ऑर्डर सबसे ऊपर है, उसमें तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए। ये देश के लिए ठीक, देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है,
इन्होंने कहा, मैंने वापस एग्जाम्पल दे रहा हूं, जितनी भी योजनाएं हैं धर्म जाति के भेदभाव के बिना हर आदमी को उसका फायदा मिल रहा है, और इसीलिए जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो समझना चालू हो गए हैं, और इसीलिए अब इनको डर लग रहा है कि अगर ये वोट बैंक भी चला गया तो हमारा क्या हाल होगा। आपने कई सही कहा, यादव समाज की बात करें, 36 बिरादरी ने हरियाणा में जब लोग सारे लोग कह रहे थे कि भाजपा हारेगी, उसका जीत का कारण है कि जो योजनाओं का लाभ सबको पहुंच रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चल रही है, बांटो और राज करो, अंग्रेज चले गए इनको छोड़ के चले गए, बांटो और राज करो नहीं चलेगा, ठीक है, आपको सबका बात करनी पड़ेगी, सबके विकास की, ठीक है, मैं आऊंगा और इसका एक उदाहरण भी दूंगा। तारिक खान, जो आप कह रहे हैं ना कि डराने धमकाने बरगलाने की किसने कोशिश की, मैं वो भी नाम गिनाऊंगा और आपके सबसे बड़े नेता का नाम गिनाऊंगा, उस पर भी जवाब दूंगा। लेकिन साजिद रशीदी, आपको किसी ने आज तक धमकी तो नहीं दी? हालांकि आप तो मेरी जानकारी है शायद दिल्ली में रहते हैं। दी है ना प्राइम मिनिस्टर ने, 2024 के इलेक्शन में आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कांग्रेस को वोट दोगे तो मंगलसूत्र तक बिक जाएगा आपका। ये धमकी तो है, धमकी किसे कहते हैं? साजिद रशीदी को धमकी दी थी। आप इसको धमकी नहीं मानते? ये साजिद रशीदी को धमकी दी थी। आप इसको धमकी नहीं मानते क्या? नहीं, मैंने आपसे क्या पूछा, आपको किसी ने धमकी दी? आपने सीधे प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया। आप इसको धमकी, पहले आप ये तय करो ये धमकी है कि नहीं है, किसको दी है, किसको नहीं, अभी नहीं, ये बात की बात है, ये धमकी है कि नहीं है, मैं अभी उस पर जा ही नहीं रहा हूं। कांग्रेस को वोट दोगे तो मंगलसूत्र बिक जाएगा। पूछा दूसरी बात, मैंने आपसे सवाल जो पूछा उसका जवाब दीजिए। अब सुनिए आगे की बात, सुनिए। देखिए, मैंने 2014 में प्राइम मिनिस्टर से ये कहा था कि ये जो डराने धमकाने की राजनीति है, ये मुसलमानों को जो दबाने की राजनीति है, अगर इसको आप छोड़ दोगे तो कांग्रेस से त्रस्त है मुसलमान, आ जाएगा आपके साथ में। लेकिन उन्होंने नहीं मानी। 11 साल के बाद अब समझ में आ रहा है बीजेपी को कि मुसलमान को साथ लेना पड़ेगा। अब ये बार बार कहते हैं कि साहब हम तो जो भी योजना लाते हैं वो सबको मिलती है। अरे भाई, ये तो देश का संविधान है, अगर देश में संविधान ना होता तो आप नहीं देते मुसलमान को, ये तो तय बात है, ये तो संविधान ही ऐसा है, आप कर ही नहीं सकते अलग, आपके पास ऐसा कोई पावर है ही नहीं कि आप मुसलमान को अलग दे दो, हिंदू को अलग दे दो, सिख को अलग दे दो, ईसाई को अलग, आपके पास पावर नहीं है ऐसा, आपको देना ही पड़ेगा सबको साथ में। ये कोई एहसान नहीं कर रहे हो, ये कोई एहसान नहीं कर रहे हो आप मुसलमान, समझ लीजिए इसको चित्रा। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपको क्यों गलत लग रहा है ये? मैं आपके बीच में नहीं बोला। अपनी बात पूरी करिए। देखिए, ये देश का संविधान है, अगर इसको बार बार एहसान, हाँ मैं ये कह रहा हूं कि ये बीजेपी के लोग बार बार एहसान जताते हैं, हमने घर दे दिया, हमने गैस दे दिया, हमने ये नहीं देखा कि मुसलमान है कि नहीं। मेरे भाई, ये एहसान मत जिताओ, अब भी वक्त है। अगर आप नरम हो जाओगे, जिस तरह योगी जी धमकी देते हैं बार बार, जिस तरह आपके दूसरे नेता मुसलमानों के दोस्त हैं, अफगानिस्तान या पाकिस्तान, हिंदुस्तान में रहना है, जयश्राम कहना है, ये सारी अगर खत्म कर दो, ठीक है, मुझे नहीं ध्यान है कि मुसलमानों का नाम लेकर धमकी किसी बीजेपी नेता ने दी है, मुझे नहीं ध्यान है। तो ऐसी बातें मत रशीदी साहब मत किया करिए, याद ही नहीं होगा। राकेश जी, छोटी सी मैं बात करूंगा, यहाँ पे हमारे साथी ने ये कहा कि संविधान नहीं होता, अरे किसी कभी कभी मंशा नहीं होगी, ये सरकार में हर आदमी का विकास हुआ है, और ये कहना कि नहीं नहीं ये होता तो बिल्कुल नहीं, सबका अधिकार है, देश के संसाधनों पर सबका विकास होगा, जो लोगों को भी जरूरत है तो सबका विकास होगा। पर जब ये चीजों पे तुष्टीकरण किया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो रहा है। देखिए, विपक्ष की एक नीति बन चुकी, एक तुष्टीकरण करो, मुस्लिमों को डराओ, जिससे आपका जो वोटर है वो आपका कॉन्सोलिडेट रहे, और दूसरा हिंदू में डिविजन करो जिससे आपकी दुकान चलती रहे। जब डिविजन हिंदुओं का होता है, भाजपा के नेता ने उसके खिलाफ हमेशा बोला है, और उनका, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, अब आप सुन लीजिए, मैंने आपका रिस्पेक्ट रखा था, मेरी बात सुनिए। सवाल, अगर डिवीजन होगा, अगर हिंदुओं का भी डिवीजन होगा वो भी गलत है, अगर मुस्लिम समाज को साथ में जोड़ के बोला जाता है तब हिंदू समाज का भी अधिकार है कि जब उनके अधिकार की बात हो उनको भी जोड़ के बात हो, उसमें क्या गलत है? ठीक है, अगर ये कह दिया कि साथ में रहेंगे तो क्या? ठीक है, ठीक है, रशीदी जी अपना सवाल पूछिएगा, अपना सवाल पूछिएगा, मैं आपको समय दूंगा, लेकिन रुक जाइए, मैं आपके पास आता हूँ, अवधेश जी के पास पहले जा रहा हूँ। अवधेश जी, पिछले 6-7 महीने में, एक मिनट रशीदी जी प्लीज, 15 मिनट से इंतजार कर रहे हैं अवधेश जी, मैं आपको समय दे दूंगा, मैं कह रहा हूं मैं समय दे दूंगा आपको। अवधेश जी, पिछले 6-7 महीने में 10 घटनाएं मेरे सामने हैं जब इस तरीके से धमकी दी गई है, या तो मार दिया गया है, या तो जनाजे की नमाज नहीं पढ़ने दी गई है, ये चल क्या रहा है आपके हिसाब से? नहीं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है, जब लोकसभा चुनाव चल रहा था
ये तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सभाएं, खासकर फर्रुखाबाद की सभा आपको याद होगा, वोट जिया, तो एक बड़े पॉलिटिकल परिवार की एक एक महिला ने खड़ा होकर भरी सभा में कहा कि वोट जिहाद करो और सोच समझ के वोट दो, और अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करता है, वोट करता है, तो उसका हुक्का पानी बंद करो। और उस पर सब लोगों ने ताली बजाया। और इस बार तो साजिद रसीदी, मतलब उनकी जो भाषा है, एक दादा की भाषा होती है ना, कि आप एहसान नहीं करोगे, आप बारे में किसी ने नहीं कहा एहसान नहीं करोगे, लेकिन आप खाओगे भी और कहोगे कि नहीं कि हाँ भैया चलो हमारे लिए भी कुछ किया है, और कहोगे कि आप एहसान नहीं कर रहे हो। तो आप सोचिए ना कि कितने कृतज्ञ लोग हैं, ग्रेटिट्यूड है ये, कि ये आप मतलब इतने एक संगठन के ये लीडर हैं साजिद रसीदी। सुनिए सुनिए, हमारे दोस्त भी हैं, बहुत हमारी बातचीत भी होती है, लेकिन भाषा देखिए ना किस प्रकार की है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में पूरे देश में भारत के मुसलमानों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुसलमानों में एक बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि बीजेपी को वोट दे। वो उसने देखा है कि विकास की नीतियां हमारे तक पहुंची है। मैं स्वयं मुसलमानों के बीच गया हूं, उनसे पूछा है, बोला कि नहीं हमको तो सरकार से कोई प्रॉब्लम, हमारी तो सुविधा बढ़ी है। उत्तर प्रदेश का तो एक ट्रक ड्राइवर मुझे मिला, सुनिए मुसलमान है, मैं मुसलमानों से बात कर रहा था, मेरे पास आया, बोला कि सर हम तो पहले ट्रक लेके जाते थे तो रात में हमको 8 बजे के बाद कहीं रास्ते में लगा देनी पड़ती थी, अब तो हम रात में चलते हैं, अब रात में चलते हैं। अजय जी, रशीदी जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। आराम से चलते हैं तो हमारे तो सुविधा है। नहीं, रशीदी जी को पूछेंगे भाई, वो लगातार मैं रशीदी जी पूछेंगे, मैं जरा जवाब भी दे देता हूँ रशीदी जी को। रशीदी जी ये कह रहे हैं कि एहसान नहीं है, सुनिए किसी ने नहीं कहा कि एहसान है, लेकिन थोड़ा बहुत तो ग्रेटिट्यूड दिखाइए कि चलो हमारे लिए पहली बार। जब दुश्मन मान के बीजेपी को चलते हैं कि वोट देगा उसका हुक्का पानी बंद करो, जो कैसे दे दिया है, ये तुम्हारे लिए दीन का विषय है, भाजपा को वोट मत देना, ये तुम्हारे इस्लाम की रक्षा के विषय है, यही हकीकत है। और ऐसे 50 वीडियो चल रहे हैं इस देश में जो है, एक बीजेपी के खिलाफ एक जिहाद जो है घोषित करके चुनाव को लड़ रहे हैं। कौन सी दुनिया बना रहे हैं आप? ठीक है, 20 सेकंड रशीदी जी आपको बोलिए। समाजवादी पार्टी तो विरोधियों को भी मारती है। बोलिए रशीदी जी, बोलिए। देखिए मेरा सुनिए 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 सुनिए, मेरा पहला सवाल तो रोहन जी से है, अगर आप चाहते हैं कि मुसलमानों को न डराया धमकाया जाए तो प्राइम मिनिस्टर से कहिए जो मॉब लिंचिंग हो रही है उस पर जो है देश के सामने आए और कहे कि ये गलत हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई। नंबर एक, सही कहा है क्या प्रधानमंत्री ने? अवधी जी से कहूंगा, जैसे आपने कहा किसी नेता ने कहा कि सही है मॉब लिंचिंग, खाएंगे नहीं नहीं रोहन गुप्ता, चलिए नहीं नहीं ठीक है, रोहन गुप्ता जवाब दे देंगे इसका, रशीदी जी रोहन गुप्ता जवाब दे लेंगे इसका, लेकिन उससे पहले तारिक खान एक सवाल और 20 सेकंड में आपको भी देता हूं। वो अच्छा याद दिलाया अवधेश जी ने, सलमान खुर्शीद की भतीजी ने वोट जिहाद की अपील की थी और सरेआम इस तरीके की बातें हुई थी, और फिर आप कहेंगे कि हम ना डरा रहे हैं, ना धमका रहे हैं, ना बरगला रहे हैं। अरे अवधेश साहब कुछ कह रहे हैं, कह लीजिए। देवबंद के मौलानाओं ने खुल के कहा था आकर के, ठीक नहीं देखिए, जो जो अवधेश जी बोलिए, तारिक खान बोलिए, उनकी बात का खंडन हमने किया था। तारिक सुनिए सुनिए सुनिए, तारिक खान जी इतनी देर से बोले हैं लेकिन कभी नहीं कहा है कि हर को वोट देने का अधिकार है, कोई मुसलमान किसको भी चाहे दे, हम धमकी नहीं देते, ये तो बोला ही नहीं है। ठीक, इस विषय पर ठीक है, समय समय थोड़ा कम है, रोहन गुप्ता रशीदी जी की बात का रिप्लाई कर दीजिए 15 सेकंड। मुसलमान रोहन गुप्ता के बाद देश का मुसलमान समझदार है, समझता है कि उनको क्या अधिकार मिल रहे हैं, कोई उपकार नहीं कर रहा है, सरकार की जिम्मेदारी है उनको मिले, और जो लोग उसका फायदा उठा रहे हैं वो वोट भी कर रहे हैं, पर इनके जैसे लोग यहाँ पे जो डराते हैं वो बाहर आके नहीं बोलते हैं, और तब भी जब रिजल्ट आते हैं, जब ऐसे बूथ होते हैं कि जहाँ पे मुस्लिम बहुकुल लोग में भी भाजपा को वोट मिलते हैं, तो ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, क्योंकि ट्रिपल तलाक का फायदा बहनों को हुआ है, और जहां उनको लगता है अरे ये बूथ में तो ये भाजपा को वोट मिल गए, इसका मतलब ईवीएम आ गया, ये समझ ही नहीं पा रहे, धरातल की राजनीति बदल रही है। जिनका जो अधिकार है वो मिलेगा, तुष्टीकरण का किसी का अधिकार नहीं है, राजनीति बदली है, और तारिक खान ये कम से कम हरियाणा के चुनावी नतीजों से शायद इस देश में लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अटकलें कुछ और थी, हो कुछ और गया, तो सर इसी से सीख लीजिए कम से कम। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही है, रुकेंगे ब्रेक।